भागवत कथा का आयोजन कब से कब तक है? इस भागवत कथा का आयोजन 7 नवंबर से 14 नवंबर तक है। 13 तक कथा चलनी है, 14 को विशाल भंडारे का आयोजन है और शाम में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का एक साहित्यिक कार्यक्रम भी विद्यालय में होगा। इसमें हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएं और अभिभावक सभी लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और क्षेत्र में इस कथा का लोगों को इंतजार रहता है। और इस बार इस कथा में हमारे कथा प्रवक्ता वृंदावन से परम संत धन्वंतरी जी महाराज जी के द्वारा इस कथा का कार्यक्रम होना है, उनके मुखारविंद से कथा का आयोजन यहाँ पर होना है। कहाँ कहाँ से संतों का आना जाना रहेगा? इस संतों का कल एक जो शोभा यात्रा निकलनी है, हमारी माताएं कलश यात्रा में शामिल होंगी, उनके साथ साथ व्यास जी के अलावा नैमिष सारण्य की तपोभूमि से लगभग 100 संत जो दंडी स्वामी हैं उनको और सर्वेश्वरानंद जी के परम शिष्य जो रहे हैं शाश्वतानंद जी महाराज के अध्यक्षता में, उन सभी संतों का नगर भ्रमण होना है। नगर के लोग पूरी तरीके से गलियों से संतों को निकलते हुए उनके ऊपर पुष्प वृष्ट करने का उनका भाव है, जिससे निश्चित रूप से एक शांति और सुख समृद्धि की संकल्पना हम लोग करते हैं। इस सभी के कल्याण के लिए और सभी के सुख के लिए ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आयोजक और यजमान की जिम्मेदारी कौन निभाता? अब आयोजक क्या सार्वजनिक रूप से इस कार्यक्रम को रूप दिया जाता, विद्यालय का कार्यक्रम है तो अब हम विद्यालय प्रेमी जूनियर स्कूल के प्रधानाचार्य रहे दिनेश कुमार अग्निहोत्री जी, उस सपत्नीक इस कार्यक्रम में मुख्य यजमान की भूमिका में इस बार रहना है। बाकी 7 दिनों तक 7 सह यजमान सपत्नीक रह करके इस कथा को पूरा अंतिम रूप देंगे।